तो सबसे बड़ी खबर देखने से पहले मैं बता दूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। नमस्कार, HMTV लाइव में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ AL द्विवेदी। आइए आज बात करते हैं एक विशेष खबर की। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी का कंटिन्यूस जो स्टेटमेंट्स वो ट्विटर पे करते जा रहे हैं रेलवे को लेके और माइग्रेंट्स को लेकर, इससे एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और इससे ये बात साफ नज़र आ रही है कि रेलवे मंत्रालय माइग्रेंट ट्रेन को लेकर के बहुत ही दुविधा स्थिति में अपने आप को पा रही है। पहले उन्होंने ये जाहिर किया कि हम 85% सब्सिडाइज्ड टैरिफ दे रहे हैं, उसके बाद ना वो कोर्ट में प्रूव कर पाए ना किसी मीडिया में उस बात को प्रूव कर पाए। अब जब माइग्रेंट्स की ट्रेन का खर्चा महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी ने उस खर्चे को उठाया है तो वो उसे पॉलिटिसाइज करने का उनका प्रयास है। वो ये भूल जा रहे हैं कि ये माइग्रेंट्स परेशानी में हैं और इनको अपने घर तक के पहुंचाना ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है, जबकि उन्होंने फोकस करना चाहिए कि रोज़ न्यूज़ आ रही हैं कि ट्रेन्स दो दो पाँच पाँच छः छः दिन जो है लेट पहुंच रही हैं जिस राज्य में उसे पहुंचना है, यूपी है, बिहार है, बंगाल है, ट्रेन भटक जा रही है। और अब तक के जो न्यूज़ आई हैं उसमें ये पता लग रहा है कि कई माइग्रेंट्स ने खाना नहीं मिलने की वजह से ट्रेन में अपनी जानें गंवा दी। इसी देश के अंदर ये होता था कि अगर रेलवे मंत्रालय में कोई हादसा होता था तो रेलवे मंत्री अपनी नैतिक जवाबदारी समझ करके अपना राजीनामा पेश करता था। हम ये नहीं कहते कि पीयूष गोयल जी ने अपना राजीनामा देना है, मगर हम ये बात ज़रूर कहेंगे कि ये पीयूष गोयल जी की ये बात कहाँ तक के इसमें तथ्य रखती है कि आप 157 ट्रेन की लिस्ट एक घंटे के अंदर नाम के साथ में आप हमको सबमिट कीजिए। इसमें कोई तथ्य नहीं, एक कन्फ्यूजन का माहौल क्रिएट करने का प्रयास रेलवे मंत्रालय का और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी का दिखता है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये ओछी राजनीति से बाहर निकल करके जो समस्याएं माइग्रेंट लेबर्स और लोग फेस कर रहे हैं उसके ऊपर एक पुख्ता कार्यक्रम एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में जो कमियां नज़र आ रही है उसे पूरा करने का काम पीयूष गोयल जी करें, ना कि इस तरह का एक अलग कन्फ्यूजन का माहौल खड़ा करें।